और वांटेड बदमाश अरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने दिल्ली एनसीआर में छपटमारी की ढेरों वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद डीसीपी शंकर चौधरी के नेतृत्व में एटीएस के साथ मिलकर एक टीम बनाई गई और द्वारका सेक्टर 13 के पास एक महिला इंस्पेक्टर सरोज को सादे कपड़े में तैनात किया गया, जहां पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एटीएस इंस्पेक्टर कमलेश कुमार मौजूद थे। जैसे ही अरमान ने महिला पुलिसकर्मी सरोज से चैन स्नैचिंग की वारदात की, वैसे ही पुलिस ने उसे चेतावनी दी। खुद तो पुलिस से घिरा देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें से एक गोली अरमान की टांग में लग गई। पुलिस ने उसे कब्जे से एक पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। वारदातों को अंजाम देने वाला अरमान आज द्वारका पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। डीसीपी शंकर चौधरी और एटीएस इंस्पेक्टर कमलेश ने एक मुठभेड़ के बाद कुख्यात स्नेचर अरमान को गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ आतंक का पर्याय बन चुके अरमान को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली। स्नेचर ये ऑपरेट कर रहा है, इसने स्नैचिंग अलग अलग जिलों में की थी और हमें मूवमेंट पता थी कि ये आने वाले दो तीन दिनों में ये इस एरिया में ऑपरेट करेगा। तो सेक्टर, चूंकि हमें ये मालूम था कि ये कुख्यात अपराधी है, तो हो सकता है कि गोली की भी घटना हो। ये अपराधी हम पर, हमारे पुलिस टीम पर 3 राउंड फायरिंग करता है, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा के लिए फिर पुलिस 2 राउंड फायर करती है, जिसमें 1 राउंड SI सरोज सिंह और 1 राउंड एक कांस्टेबल संदीप वो फायर करते हैं। एक गोली इस क्रिमिनल के घुटने पर लगती है, उसके बाद इसको ओवर पावर कर लिया जाता है।